बढ़ेंगे आगे और वक्त है एस्टर डीएम, इस शेयर पर फोकस करने का। जो स्टॉक आज जबरदस्त सेक्शन में तगड़ी तेजी होती हुई दिख रही है, 17-18% तो मैंने लास्ट देखा था ऊपर, अब कितना ऊपर है, हाँ 17-18% उतना ही ऊपर है। वजह क्या है, जो डील हुई इसकी डिटेल्स क्या है, क्यों इतनी तेजी हो रही है, बताइए नूपुर। बिल्कुल सर, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था 11:30 बजे, उसमें दो चीजें सामने आई है। वहां पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो 5,000 करोड़ का उनका डेट है कारोबार में, वो पूरा का पूरा गल्फ कारोबार में चला जाएगा। अच्छा, तो इंडिया बिजनेस डेट फ्री हो जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी तेजी हुई, इसलिए इतनी बड़ी तेजी आपको नजर आई थी। जो कल अनाउंसमेंट आया था जहाँ पे वो गल्फ कारोबार को बेचने वाले थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में काफी पॉजिटिव चीजें आई, जिसके बाद अब रन अप देख ही रहे स्टॉक में। डील की डिटेल्स बता देती हूँ मैं, जहाँ पे बोर्ड ने गल्फ और इंडिया दोनों कारोबार को अलग करने की मंजूरी मिली थी, जहाँ पे गल्फ कारोबार का 65% हिस्सा कंसोर्शियम जो है फेयर कैपिटल का वो होल्ड करेगा और 35% हिस्सा प्रमोटर के पास रहने वाला है। प्रमोटर इंडिया और जो गल्फ कारोबार है दोनों को ओवरलुक करने वाले मैनेजमेंट सेम रहेगा, क्योंकि उनकी पहली कंडीशन थी बायर को कि वो दोनों ही बिजनेस को ओवरलुक करने वाले हैं। साथ ही साथ जो वैल्यूएशन भी देखें तो जो गल्फ कारोबार का वैल्यूएशन 170 करोड़ डॉलर के आसपास है, 13,540 करोड़ के आसपास, और इक्विटी वैल्यू 8,215 करोड़ के आसपास है, $1 बिलियन के आसपास की आपको दिखेगी। मौजूदा शेयर होल्डर्स जो है एस्टर डीएम के इस ट्रांजेक्शन के बाद उन्हें जितने भी प्रोसीड्स आएंगे गल्फ कारोबार से वो डिविडेंड के तौर पर यहाँ पे दे दिया जाएगा एस्टर डीएम के जो शेयर होल्डर्स है उनको, और जो बैलेंस होगा उससे कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देखेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा। तो दो बड़ी चीजें सामने आई है कॉन्फ्रेंस कॉल से, पहली जो डेट था वो गल्फ कारोबार में था, गल्फ कारोबार में शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वो डेट उसी में रहने वाला है। तो इंडिया एंटिटी जो एस्टर डीएम लिस्टेड है वो डेट फ्री हो जाएगी, और जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेगी इस ट्रांजैक्शन के बाद उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ेगी। अब गल्फ कारोबार के वैल्यूएशंस देखें तो वहां के पीयर्स अगर कंपेयर करें तो आपको कम नजर आएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपांशन की तरफ कंपनी बढ़ रही थी। FY24 में एक्सपांशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसका भी जो बेनिफिट है वो गल्फ में दिखेगा, लेकिन उसके चलते मार्जिन में कुछ इम्पैक्ट दिखा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसीलिए वैल्यूएशन यहाँ पे कम आते हुए दिखे। तो दो बड़ी चीजें कॉन्फ्रेंस कॉल में सामने आई है, पहला डेट इंडिया कारोबार पूरा डेट फ्री हो जाएगा और डिविडेंड के बाद इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की तरफ कंपनी बढ़ेगी। ओके, तो ये है बड़ा डेवलपमेंट जिसके चलते आप देख रहे हैं एसटीडीएम में जबरदस्त खरीदारी 17-18% की आती हुई दिखी। मैं ये सोचा था क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट डील ऐसी लग रही थी कि सस्ती की और प्रमोटर्स ने 35% वैल्यूएशन तो कमी है, वैल्यूएशन तो कमी है, लेकिन वो डेट मेन चीज है कि इंडियन कंपनी का डेट जीरो हो जाएगा। ये कॉन कॉल में समझ में आया, इसकी वजह से आप ये देख भी सकते हैं कि बाद में 11 बजे के बाद में बढ़िया स्टॉक मजबूत होना शुरू हुआ, तो कॉन कॉल के बाद अच्छी तेजी बनना शुरू भी हुई है। तो चलिए, इसीलिए कॉन कॉल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कई बार कई सारी चीजें आपको जो प्रेस रिलीज में पता नहीं चलती वो कॉन कॉल में